दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशों पर आरपीएफ के थाना एवं सीआईबी टीम द्वारा इंटरनेट अवैध रूप से ई टिकट बनाकर कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल सुधार आयुक्त के निर्देशन पर आरपीएफ के थानों एवं सीएमबीटी टीम द्वारा इंटरनेट पर अवैध रूप से ई टिकट बनाकर उसकी कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस सहयोग से संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान नागपुर शहर, भंडारा तथा गोंदिया के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर दाबिश एवं चेकिंग की कार्रवाई की गई और इंटरनेट पर अवैध रूप से ई टिकट बनाकर उसकी कालाबाजारी करने वाले 6 आरोपियों के विरुद्ध उचित न्यायिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इससे आगामी भविष्य में अपराधियों पर नकल कसी गई है, जिसका लाभ सीधे यात्रियों को मिलेगा और इस अपराध के कम होने से जरूरतमंद यात्रियों को आसानी से यात्रा टिकट उपलब्ध हो सकेगी। लोग को सब मालूम है कि गाड़ियां रेलवे के द्वारा बहुत चलाई जा रही है, जैसे गाड़ियां चलेगी रश बढ़ेगा और रश पड़ेगा तो लोग चाह रहे हैं रिजर्वेशन मिले, उसके लिए कई दलाल भी एक्टिव हुए हैं, जिस लिए हमें इन्फॉर्मेशन थी और हमने ड्राइव चालू किया और 143 रेलवे एक्ट के तहत टॉट के ऊपर केसेस करना लगातार चालू किया। नागपुर डिवीजन एसएससीआर द्वारा 6 केसेस पकड़े गए हैं अलग अलग स्टेशनों में, गोंदिया में, भंडारा में, नागपुर में और अन्य जगह पर, और भी ड्राइव हमें इन्फॉर्मेशन है, हम लगातार इसे करते रहेंगे। धन्यवाद। नागपुर रेलवे स्टेशन से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।